खरगोन जिले के भगियापुर ग्राम में लॉकडाउन लगा है। तब से आज तक गरीब असहाय बुजुर्ग लोगों को ग्राम सुरक्षा युवा टीम सहारा बनकर उनको भोजन उपलब्ध करा रही है। युवा टीम के योगेश निकोले, सुनील निकोले, जयपाल मंडलोई ने कहा कि पहले पंचायत को लिस्ट बनाकर दी थी, मगर सभी को अपात्र कर दिया। फिर हमने स्वयं के खर्च पर प्रतिदिन 60 लोगों का मालवीय धर्मशाला में भोजन बनाकर घरों पर उनके घरों तक पहुँचाया। वहीं ग्राम में हमारी युवा टीम 200 मास्क का वितरण कर लोगों को हाथ धोने, मास्क लगाने की और घर पर ही रहने की सलाह दी जा रही है। इसमें हमें ग्राम पंचायत और शासन के द्वारा कोई सहायता नहीं मिली। युवा टीम के सहयोग से लोगों का भोजन किया जा रहा है। डॉक्टर मनोज मालवीय, अशोक मोदी, रविंद्र मोरे, महेश बिडारे, अतुल मालवीय, जितेंद्र मंडलोई, दिनेश सोनी का पूरा सहयोग रहता है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। भोजन दे रहा भगियापुर की हमारी युवा टीम है, जो कि प्रत्येक असहाय गरीब लोगों को भोजन दिया जा रहा है। असहाय गरीब लोगों को कब से दिया जा रहा है, कितने लोगों को? ये 25 मार्च से चल रहा है, जो कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था, जो कि गरीब और मजदूर वर्ग के लोग थे। अच्छा, पंचायत द्वारा कोई सहायता राशि मिल रही है? पंचायत और शासन के द्वारा हमें कोई सहायता नहीं मिली है। और कब तक चलेगा ये? जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हमारी यही कोशिश है कि गरीब और असहाय लोगों को भोजन दिया जाए। हमारे 10 युवाओं की टीम है, जो कि स्वयं के खर्चे पर गांव के 60 ऐसे लोग हैं जिनको स्वयं बनाकर भोजन बनाकर उनके घर तक दिया जा रहा है। अच्छा, कितने कैंडिडेट है? हमारी 10 युवाओं की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।